अचानक गिरने की वजह से अदिति को काफी जोर से लग गई, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं लोग पीते क्यों हैं, जब उनसे संभाली नहीं जाती तो, मोहिनी ने हंसते हुए कहा। वो क्या है ना, कुछ लोगों को बाकियों को देखकर मॉडर्न बनने की कोशिश बहुत करते हैं, पर वो रहते गवार ही हैं। रोहन ने भी अपने हाथ में पकड़े शराब के ग्लास से एक घूंट भरते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर सब लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। इसी बीच अतिरेक वहां आ गया और रोहन और मोहिनी को देखकर वो समझ गया कि ये इन दोनों की ही हरकत है। उसने सबसे पहले अदिति को उठाकर कुर्सी पर बैठाया और उसके आंसू पोंछते हुए गुस्से में मोहिनी और रोहन की तरफ देखा, जिससे वो दोनों मुंह बनाकर वहां से चले गए। और अतिरेक मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी अदिति के हर आंसू की कीमत तुमसे वसूल कर सकता हूं, पर फिलहाल तुझे मारने से ज्यादा जरूरी अदिति को संभालना है। मैंने कहा था ना कहीं नहीं जाना, अतिरेक ने थोड़े सख्त स्वर में कहा तो अदिति रुआसी होकर बोली, सॉरी। कोई बात नहीं, पर अब से मेरी सारी बात मानना, अतिरेक ने अदिति के आंसू पोंछते हुए कहा और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाना खाने के बाद अदिति जैसे ही उठने लगी, उसकी कमर में जोर से दर्द हुआ और वो फिर से बैठ गई। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, अतिरेक ने घबरा कर पूछा तो अदिति दर्द से करहाते हुए बोली, वो अभी मैं गिर गई थी ना तो दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूं। मोहिनी और रोहन, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, अतिरेक मोहिनी और रोहन की तरफ देखकर बड़बड़ाया और फिर अदिति को संभालते हुए बोला, रुक मैं तेरी मदद करता हूं। अतिरेक ने अदिति को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर पार्टी हॉल से बाहर आ गया। अदिति को बेंच में बैठाकर अतिरेक टैक्सी का इंतजार करने लगा। बहुत इंतजार के बाद भी जब उसे कोई टैक्सी नहीं मिली तो उसने अदिति को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और पैदल पैदल ही हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगा। अदिति बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। अतिरेक की नजर जब अदिति पर पड़ी तो उसने उससे पूछ ही लिया, ऐसे क्या देख रही है? यही कि तुम कितने क्यूट हो, अदिति ने दोनों हाथों से उसके गाल खींचते हुए कहा। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम कुछ नहीं भी करते हो ना तब भी क्यूट ही लगते हो, अदिति ने नशे में खिलखिलाते हुए कहा। अच्छा जी, अतिरेक ने भी रूमानी अंदाज में कहा। हाँ जी, वैसे अब ना ये ओवर क्यूट बनना बंद करो और मुझे नीचे उतारो, वरना तुम थक जाओगे, अदिति ने हंसकर कहा। पर तुझे चोट लगी है ना, अतिरेक ने उदास होकर कहा। हाँ, पर अब दर्द नहीं हो रहा, अदिति ने मुस्कुराकर कहा। पक्का, अतिरेक ने कहा। हाँ पक्का, अदिति ने कहा। अदिति के विश्वास दिलाने पर अतिरेक ने अदिति को धीरे से नीचे उतार दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगा। अतिरेक रुको रुको, अदिति ने अचानक से रुकते हुए कहा तो अतिरेक बेचारा समूह बनाते हुए बोला, अब क्या हुआ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये सब घूम रहा है गोल गोल, अदिति ने अपनी उंगली गोल गोल घुमाते हुए कहा और फिर अतिरेक से अपना हाथ छुड़वाकर खुद भी गोल गोल घूमने लगी। कुछ भी गोल गोल नहीं घूम रहा है अदिति, तू ही घूम रही है, अतिरेक ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं कह रही हूं ना गोल गोल घूम रहा है, अदिति ने गुस्से में कहा। अच्छा बाबा ठीक है, घूम रहा है, खुश अब चले, अतिरेक ने हार मानते हुए कहा तो अदिति आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, पर घूम क्यों रहा है, मुझे नहीं पता मेरी माँ, तू प्लीज घर चलना, अतिरेक ने झल्लाते हुए कहा। क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए ना, अदिति ने उसे घूर कर कहा तो अतिरेक बेबस होकर बोला, आगे से पता रखूंगा अब चल। अभी क्यों नहीं पता है, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा तो अतिरेक मन ही मन सोचने लगा, यार ये होश में हो या नशे में, इसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते हैं,
मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा, वरना ये आज पक्का पागल कर देगी मुझे। ये भगवान, कहाँ फंसा देते हो मुझे बार बार। अदिति, गोलगप्पे खाएगी? अतिरेक ने उसका ध्यान भटकाते हुए कहा। हाँ हाँ, मुझे खाना है, मुझे खाना है, अदिति ने खुश होकर कहा। तो फिर अब चुपचाप चलना है, कोई सवाल नहीं, ओके? अतिरेक ने हिदायत देकर कहा तो अदिति उदास होकर बोली, ओके। अतिरेक और अदिति फिर से चलने लगे और 5 मिनट के बाद अदिति ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। मैं एक बात बोल सकती हूँ, फिर चुप हो जाऊंगी पक्का। मत बोल, कुछ मत बोल मेरी माँ। अतिरेक सर पीटते हुए बड़बड़ाया और फिर अदिति की तरफ देखकर गुस्सा दिखाते हुए बोला, गोलगप्पे कैंसिल। फिर मैं चुप ही रहती हूँ, अदिति ने बड़ी मासूमियत से अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा और फिर चुपचाप चलने लगी। उसे ऐसे देखकर अतिरेक को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, अच्छा बोल ले, कैंसिल नहीं करूंगा। पक्का? अदिति ने खुश होकर कहा। हाँ पक्का, बोल क्या बोलना है? अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली मुझे ये बोलना है कि तुम, अदिति ने शर्माकर कहा और फिर कहते कहते रुक गई। हाँ मैं आगे? अतिरेक ने उत्सुकता से पूछा। तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, ये कहते हुए अदिति ने शर्माकर अपना चेहरा अतिरेक के सीने में छुपा लिया और अतिरेक ने भी मुस्कुराते हुए उसे कस के पकड़ लिया। अब मैं भी एक बात बोलूं? अतिरेक ने हौले से अदिति के कानों में कहा। हाँ बोलो, अदिति ने जवाब दिया। आज तू भी बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल मेरी एंजल जैसी, अतिरेक ने उसकी एक लट कानों के पीछे खोंसते हुए कहा। सच में? तो फिर पहले क्यों नहीं बोला? अदिति ने खुश होकर कहा। वो मैं पहले नाराज था ना तुझसे, अतिरेक ने कहा तो अदिति उसे घूरते हुए बोली, क्यों नाराज थे? मैंने तुम्हारी विश पूरी तो कर दी थी, फिर भी वो बस ऐसे, तू जाने देना, अब थोड़ी नाराज हूं तुझसे, अतिरेक ने अपना बचाव करते हुए कहा। पर अदिति अब तक बात पकड़ चुकी थी। तो पहले भी क्यों थे? अदिति ने मुंह बनाकर गुस्से में कहा। हे भगवान, ये तो फिर से शुरू हो गई। ये सोचकर अतिरेक ने फिर से तरकीब निकाली और अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, अदिति एक बात हो गई ना, अब चुप हो जा वरना गोलगप्पे कैंसिल। नहीं नहीं, मैं चुप हूं अब, अदिति ने छोटे बच्चों की तरह कहा और फिर से चुप होकर चलने लगी। चलते चलते ही अचानक उसे किसी चीज से ठोकर लग गई, वो लड़खड़ाकर गिरने लगी पर अतिरेक ने उसे संभाल लिया। दोनों घबराकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और अतिरेक घबराकर बोल पड़ा, तू ठीक है ना? तुम्हारे होते कुछ हो सकता है मुझे, अदिति ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कभी नहीं, अतिरेक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर? अदिति ने हंसकर पूछा। मैं कुछ बोलूंगा ये फिर कुछ बोलेगी, इससे अच्छा चुप ही रहता हूँ। ये सोचकर अतिरेक बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराता ही रहा, पर अदिति अभी भी अतिरेक की तरफ देखते हुए इसके जवाब का इंतजार कर रही थी। नशे की वजह से अदिति ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने सहारे के लिए अपने दोनों हाथों से अतिरेक का ब्लेजर पकड़ लिया, जिससे अतिरेक थोड़ा सा घबरा गया और अदिति को संभालते हुए बोला, अदिति तू क्या कर रही है? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अदिति ने अतिरेक के डर को भांप कर शरारती अंदाज में उसके करीब आते हुए पूछा। अपने लिए नहीं डर रहा हूं, तेरे लिए डर रहा हूं। तू इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं होने दे सकता जिसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़े। ये सोचकर अतिरेक खुद को उससे दूर करते हुए बोला, अदिति खुद को संभाल, तू होश में नहीं है। पर तुम तो हो ना, अदिति ने हंसकर कहा और फिर अतिरेक के करीब आकर उसके गालों को चूम लिया। अतिरेक मुस्कुराकर अदिति की तरफ देखने लगा तो अदिति उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कस के उसके गले से लग गई। अतिरेक ने भी बहुत प्यार से उसे थाम लिया और फिर उसके माथे को चूमकर
उसके बालों को सहलाने लगा। दोनों आंखें बंद करके उस पल को जीने लगे और कुछ देर में अतिरेक बोल पड़ा, अब चलें? हाँ चलो। ये कहते हुए अदिति अतिरेक से दूर हट गई और अतिरेक ने एक बार फिर से अदिति का हाथ अपने हाथों में ले लिया। दोनों एक बार फिर से चल दिए और कुछ देर बाद अदिति फिर से बोल पड़ी, अतिरेक हॉस्टल आने वाला है। हाँ फाइनली, अतिरेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो गोलगप्पे कब खिलाओगे? अदिति ने उसे घूरते हुए पूछा। तो अतिरेक सकपकाते हुए बोला, अदिति कल खिलाता हूँ ना, आज बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं मुझे आज ही खाना है, तुमने प्रॉमिस किया था, अदिति ने जिद करते हुए कहा। समझा करना, इतनी रात में कोई गोलगप्पे वाला कैसे मिलेगा, कहकर अतिरेक ने उसे समझाया तो अदिति खींच कर बोली, ये तो तुम्हें प्रॉमिस करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है मतलब खाना है, और अगर तुमने नहीं खिलाया ना तो? तो अतिरेक ने पूछा। तो अदिति वहीं रोड पर बैठते हुए बोली, तो मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, यहीं रोड पर बैठी रहूंगी और फिर कोई कार आकर मुझे ठोक जाएगी और मैं डायरेक्ट ऊपर भगवान जी के पास। ये कहकर अदिति ने अपनी उंगली ऊपर आसमान की तरफ उठाई तो अतिरेक घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, पागल कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा तुझे। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति को गले से लगा लिया। अदिति ने भी उसे कस के पकड़ लिया। चल तुझे जितने गोलगप्पे खाने खिलाता हूं, पर अगर आगे से फिर कभी ऐसा कुछ बोली ना तो देखना बात नहीं करूंगा तुझसे। अतिरेक ने अदिति का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे डांटते हुए कहा तो अदिति बड़ी मासूमियत से अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी। तू समझती क्यों नहीं है अदिति, तू है तो मैं हूं, तुझे कुछ भी हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा, अतिरेक ने आंखों में आंसू भरकर कहा तो अदिति ने उदास होकर अपनी नजरें झुका ली। अच्छा अब उदास मत हो, चल मैं तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ, अतिरेक ने अदिति के माथे को चूमते हुए कहा तो अदिति धीमी आवाज में बोली, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे हॉस्टल जाना है। क्यों अभी तो खाना था, अतिरेक ने पूछा। अब नहीं खाना क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अदिति ने जम्हाई लेते हुए कहा, ठीक है चल फिर मैं तुझे हॉस्टल छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए अतिरेक फिर से चल दिया और कुछ ही मिनटों में अदिति का हॉस्टल आ गया। अतिरेक ने निकी को कॉल करके सारी बातें समझा दी। निकी ने धीरे से हॉस्टल का दरवाजा खोलकर अदिति को अंदर कर लिया और फिर जैसे तैसे उसे सुला दिया। सुबह जब अदिति सोकर उठी तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो बार बार रात जो भी हुआ उसे याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे जूस पीने के बाद का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उसे कुछ याद नहीं आया तो वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तभी निकी उसके लिए नींबू पानी लेकर आ गई। अच्छा हुआ निकी तू आ गई, प्लीज मुझे बता कि कल रात में मैं घर कैसे आई, पता नहीं क्यों पर मुझे याद ही नहीं आ रहा। अदिति ने निकी के आते ही उस पर सवालों की बौछार की तो निकी सोच में पड़ गई। ओह नो, अब क्या करूं, इसे तो शराब के नाम से भी नफरत है, अगर इसे सच बता दिया तो ये पूरा हॉस्टल सर पर उठा लेगी और बहुत दुखी भी हो जाएगी। अरे तुझे याद कैसे नहीं है, तू खुद ही चलकर तो आई थी, पर तू कल बहुत थक गई थी इसलिए आते ही सो गई, शायद इसीलिए तुझे कुछ याद नहीं है। एक काम कर, ये नींबू पानी पी ले, अच्छा महसूस करेगी, निकी ने कहा। और इससे पहले अदिति उससे कोई और सवाल पूछती वो उसे ग्लास पकड़ा कर वहां से चली गई। अदिति भी निकी की बातों को सच मानकर नींबू पानी पीकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। कॉलेज में आरव और अतिरेक लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है
कि कल अदिति के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मोहिनी और रोहन का ही हाथ है। आरव ने बीती रात हुए हादसे को याद किया तो अतिरेक भी गुस्से में बोल पड़ा, मैं भी जानता हूँ और आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अतिरेक गुस्से में उठकर वहां से जाने लगा, तभी आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इस टाइम इन सबसे ज्यादा जरूरी कुछ और है अतिरेक। क्या? अतिरेक ने पूछा तो आरव उसे समझाते हुए बोला, यही कि अगर अदिति को कल रात के बारे में पता चला तो क्या होगा। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर उसे इन सब के बारे में पता चला तो वो बेवजह ही परेशान हो जाएगी और बिना किसी गलती के खुद को जिम्मेदार समझेगी, अतिरेक ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तो आरव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, एग्जैक्टली, इसलिए कल रात के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। एक काम कर, तू अपने दोस्तों को बोल दे, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ। अदिति के आने से पहले सबको मना कर देते हैं कि कोई उसे कल रात के बारे में कुछ भी ना बताए, अतिरेक ने योजना बनाते हुए कहा। तो आरव कुछ सोचते हुए बोला, हम सबको तो रोक लेंगे पर रोहन और मोहिनी, उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा इस बार, अतिरेक गुस्से में चिल्लाया। तो आरव फिर से समझदारी दिखाते हुए बोला, नहीं प्लीज, इस बार तू रहने दे, मैं बात करता हूँ उन दोनों से, तू बाकी सबको संभाल, मैं इन दोनों को देखता हूँ। अतिरेक ने आरव की बात मान ली और उन दोनों ने लगभग सभी लोगों को अदिति को कुछ भी बताने से मना कर दिया। आखिर में आरव रोहन मोहिनी के पास पहुंचा और उसे देखते ही रोहन हंसते हुए बोला, अदिति का दूसरा बॉयफ्रेंड आज हमारे पास कैसे? रोहन प्लीज, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं यहाँ लड़ने नहीं तुझसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आरव ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा। जानता हूँ जानता हूँ, यही ना कि तेरी गर्लफ्रेंड को कल के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ प्लीज, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे कुछ भी मत बताना, आरव ने खुद को शांत करते हुए कहा। आरव की बातें सुनकर रोहन और मोहिनी जोर जोर से हंसने लगे और मोहिनी ताली बजाते हुए बोली, वाह ये सही है, वो चश्मिश मुझे ज्ञान देती रहती थी प्यार और बॉयफ्रेंड के बारे में, अब खुद दो दो लड़कों को टहला रही है। अब आरव से अपने गुस्से पर काबू नहीं हुआ और वो चिल्लाते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज मोहिनी, अगर अब तूने उसके बारे में एक शब्द भी निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक लड़की है। अच्छा ऐसा क्या गलत कहा मैंने? वो तुझे और अतिरेक दोनों को सिर्फ यूज कर रही है कॉलेज में अपनी पोजीशन और स्टेटस बनाने के लिए, और तुम दोनों इडियट्स की तरह उसके आगे पीछे घूम रहे हो, मोहिनी ने चिढ़कर कहा। तो आरव हंसते हुए बोला, रियली मोहिनी, तेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुझे सच में लगता है कि अदिति को पोजीशन और स्टेटस बनाने की जरूरत भी है? शी इज ऑलरेडी द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पॉपुलर गर्ल ऑफ दिस कॉलेज, इसलिए स्टेटस और पॉपुलैरिटी बनाने की जरूरत तुम जैसे घटिया लोगों को है, उसे नहीं। और हाँ, रही बात हम दोनों के बीच के इस रिश्ते की, तो तुम जैसे लोगों को ये कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्ती किस चिड़िया का नाम है ये तो तुम दोनों को पता तक नहीं है। एकदम सही जा रहा है बेटा तू, अगर लड़की तुम्हें रिजेक्ट करके किसी और के पास चली जाए तो तुम उसके दोस्त बन जाओ, दोस्ती के बहाने थोड़ा बहुत चांस होने का तो मौका तो मिल ही जाएगा। रोहन ने अपनी बेहुदा हंसी हंसते हुए कहा। उसकी घटिया बातें सुनकर आरव अपना आपा खो बैठा और गुस्से में रोहन का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तू गिरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया गिरी हुई है, सब तेरे जैसे नहीं है इस दुनिया में, समझा ना? पहले मैं रिक्वेस्ट करने आया था पर अब वार्निंग देकर जा रहा हूं, अगर अदिति को कल रात के बारे में गलती से भी कुछ बताया ना तो तू देखना। और तुझे क्या लगता है, मैं तेरी इस वार्निंग से डर जाऊंगा? रोहन ने खुद को छुड़वा कर आरव का हाथ झटकते हुए कहा, तू डरेगा या नहीं ये नहीं पता, पर हाँ ये जरूर पता है कि जब तक मैं और अतिरेक अदिति के साथ हैं, तू तो क्या तेरे फरिश्ते भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये कहते हुए आरव गुस्से में वहां से निकल गया
और रोहन ने खींचकर अपना हाथ खंभे पर दे मारा। आउच! रोहन कराहा तो मोहिनी घबराकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लग गई ना, तुम भी ना बहुत अजीब हो, गुस्से में कुछ भी नहीं दिखता तुम्हें। मोहिनी रोहन की चोट पर फूंक मारने लगी। रोहन बुत बनकर उसकी तरफ देखने लगा और आरव ने भी जाते जाते ये सब देख लिया। यस, अब मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को कैसे लाइन पर लाना है। पता नहीं आज से पहले किसी दुश्मन ने दूसरे दुश्मन के लिए ऐसा किया होगा या नहीं, पर मैं करूँगा। कहकर आरव मुस्कुराया और वहां से चल दिया। आरव चलते चलते अपने प्लान के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसकी नजर सामने से आ रही अदिति पर नहीं पड़ी और वो जाकर उससे टकरा गया। ओह सॉरी सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, तुम्हें लगी तो नहीं?